हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करना चाहते हैं या फिर बैंक अकाउंट नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे आइए, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर पहला ही वेबसाइट पर नजर आता होगा, एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक अलर्ट आ जाता है, जनरली इस अलर्ट को आप यहाँ से क्लोज कीजिए या तो फिर नीचे आपके पास आ जाता है ओके, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट बैंक वाइज अपडेट करना है या फिर चेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा पहला कॉलम आपको फिलअप करना है, देन उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद स्क्रीन पर देखिए आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर नजर आता है साइन इन, तो आपको साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक अलर्ट आ जाता है, जल्दी इस अलर्ट को आप यहां से क्लोज कर सकते हैं। अथवा नीचे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक प्रोसीड एक लेटर का, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे आपको बैंक वाइज अपडेट करना है, उसके लिए ऊपर में देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ आता होगा मैनेज का, तो आपको मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन नजर आता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद केवाईसी वाला सेक्शन खुलकर आ जाता है, जिससे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा एड केवाईसी। उसके बाद जो भी अपना पीएफ अकाउंट बैंक वाइज एड करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे देखिए आपके पास एक ऑप्शन बना हुआ आता होगा बैंक का, तो आपको बैंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट आपका डिटेल होता है वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि पहले डिटेल में जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका नाम होता है वही नेम ऑटोमेटिक फेच कर लेता है, वही नेम आपका बैंक अकाउंट नंबर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं या तो फिर पहले से अगर बैंक अकाउंट नंबर 8 था उसको चेंज करना है, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आता होगा बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन जो भी आप ऊपर में बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं वही बैंक अकाउंट नंबर नीचे भी आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने आईएफएससी कोड फिलअप किया उसे आपको एक बार वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए नजर तो वेरीफाई आईएफएससी, तो आपको वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आईएफएससी कोड वेरीफाई हो जाता है, जैसे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एक अलर्ट आया हुआ है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका ब्रांच का नाम होता है और जो भी आपका बैंक का नाम होता है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। अब यहाँ पे हमको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, अगर आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक को ऐसे फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं या तो फिर बैंक अकाउंट नंबर को चेंज कर रहे हैं तो दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स बना हुआ आता होगा, तो इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, कंसर्न देना है, देन नीचे यहाँ पर नजर आता हूँ सेव, तो आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर जनरली एक ओटीपी भेज दिया जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जो भी ओटीपी आता है यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर नजर आता हूँ सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देने बाद फाइनली आपका बैंक वैसे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देता है केवाईसी वाला सेक्शन में, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जो आपने बैंक वैसे ऐड किया है या फिर चेंज किया है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, उसके लिए नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सेक्शन बना आता होगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, उसी के नीचे जो भी आपने बैंक वैसे चेंज किया है या फिर ऐड किया उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। सबसे मेन पार्ट आता है स्टेटस, स्टेटस में देख सकते हैं अभी नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ किस प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट बैंक वैसे ऐड करेंगे या फिर चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अपने बैंक वैसे ऐड किया है या फिर चेंज किया है वो अप्रूव किस प्रकार से होगा, कितना स्टेप में होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे तो जनरली जो भी बैंक वैसे होता है दो स्टेप में दो जगह से अप्रूव होता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में स्टेटस देख सकते हैं अभी नजर आता होगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, इसका मतलब जो भी अपने पीएफ अकाउंट बैंक वैसे ऐड किए या फिर चेंज किए वो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके बैंक के पास गया है। बैंक दोस्तों जल्दी 2 से 3 दिन में ही आपका बैंक को ऐसा अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी आपके इम्प्लॉयर के पास चला जाता है, तब यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग विद इम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। अगर आपके पास स्टेटस में सो रहा है पेंडिंग विद इम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन तो इसका मतलब दोस्तों यही कि जो भी अपने बैंक को ऐसे एड या फिर चेंज किया है वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके कंपनी के पास गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कंपनी जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो डिजिटल सिस्टम से आपका बैंक को ऐसे अप्रूव कर देगा, उसके बाद फाइनली आपके पीएफ अकाउंट बैंक को ऐसे सक्सेसफुल अप्रूव हो जाएगा।
बता दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं किसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। किसी प्रकार से डॉट कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।